अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ मैखलिया, जिसके लिए हमें चाहिए, ये मैं गोश्त ली हूँ 1 पाव किलो, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, लाल मिर्ची पाउडर 1.5 चम्मच ली हूँ मैं यहाँ पर, हल्दी बस थोड़ी सी होना है हमें, मसालों के सालन में हल्दी ज़्यादा नहीं पड़ती, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टीस्पून, जीरा, ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरे को रोस्ट करके पीस ली हूँ मैं, पाउडर मेरे पास था, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़ीरे साबित ज़ीरे को भून कर भी पाउडर बना के रख ले सकते हैं। ये धनिया पाउडर, इसे ही मैं सेम वही मेथड से भून कर पीस के रख ली हूँ। तिल है 50 ग्राम, इसे मैं रोस्ट कर ली हूँ। फली है, ये भी 50 ग्राम, इसे भी मैं भून ली हूँ। अब हम इसके ऐसे छिलके उतार लेंगे तो ये आसानी से उतर जाते छिलके इसके, उसके बाद हम सब मिला के ग्राइंडर में पीस लेंगे। प्याज 2 बड़ी साइज़ के हैं, इसे भी तेल डाल के थोड़ा सा मैं तल ली हूँ। खोपरा 1 बट्टी है। अब हम इन सारे मसालों को और जो धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर था वो सबको पीस लेंगे। इमली का खट्टा है, ये इमली है, ये अभी तो मैं भिगा के रखी हूँ, इसे ये मुट्ठी भर है इमली। आप अपने हिसाब से, जिसे किसी को अगर ज़्यादा खट्टा पसंद तो वो ज़्यादा डाल सकते, अपने हिसाब से इमली ले सकते। यहाँ पे मैं बस 1 मुट्ठी भर के ली हूँ इमली। हरी मिर्चें हैं 4 अदद, कोथमीर 1 कट्टा, करियापत 1 कट्टा, टमाटे 2 अदद और तेल है 1/2 कप। मसालों के सालन में थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता तो इसलिए मैं 1/2 कप तेल ली हूँ। ज़ीरा है 1 टीस्पून, बघार के लिए लेंगे हमें साबित ज़ीरा। कुकर में तेल डाल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद अब हम ज़ीरा डालेंगे। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा थोड़ा सा लाल होने के बाद टमाटे डालेंगे। टमाटे अच्छे से भुने गए हैं, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त थोड़ा सा चिकना रहना है मैखलिए में। हम 1 मिनट के लिए गोश्त को भी भून के इसमें 1/2 गिलास पानी लगा के कुकर चढ़ा देंगे। ये देखिए गोश्त भी अच्छा भुने गया, हम 1 मिनट तक गोश्त को भुने। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। 4-5 सीटी होने के बाद निकाल देंगे। गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाना, क्यों बोले तो फिर हम जब मसाला भुनेंगे तो जब उसमें जो भी बाकी रहेगा वो गल जाता। ऑलरेडी हम अगर पहले से ज़्यादा गला देंगे तो फिर जब मसाला लगेंगे तब ज़्यादा और मतलब गोश्त पूरा मस्कर जैसा हो जाता, पूरा खुल जाता। तो इसके लिए हम थोड़ा आधा गलेंगे, फिर आधा जब मसाले भूनते जब भी वो लग जाए गल जाएगा। चलिए अब हम कुकर लगा के ये सारे मसाले मैं पीस ली। ये देखिए मैं कुकर निकाल दी, गोश्त भी गल गया। मैं बड़े बर्तन में निकाल दी सालन को। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। जो मसाले का जो पानी है ग्राइंडर में के जार से वो भी इसको साफ करते, इसमें पानी भी डाल के कोथमीर डालेंगे, थोड़ी आधी कोथमीर डालेंगे, आधी हम दम पे डालेंगे कोथमीर को, और गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसे भूनते जाएंगे जब तक इसका तेल फिर से ये पूरा अच्छा मसाले पक जाते हैं, जब तक हम इसको पहले हाई फ्लेम पे रख के फिर धीमे पे रखते पकाना पूरा तेल। अब जब हाई फ्लेम पे जब मसाला भुनेगा पूरा तेल चले जाता, फिर वापस फिर से आता हो तेल,
जब मसाला अच्छा भुने जाएगा तब फिर वापस तेल आ जाएगा। ये देखिए मसाला भुने जा रहा, तेल पूरा इसका चले गया। मसाले को अच्छा भुना, मसालों की सालन में हमेशा मसाला जितना अच्छा भुनेंगे तेल जब अच्छा आएगा और मसाला सालन भी बहुत मज़े का बनेगा। मसाले को ज़्यादा भूनना पड़ेगा, ये उछलते रहता तो हम इसे ढाप कर पकाते रहेंगे और बार बार चेक करते हुए भूनते जाएंगे। ये देखिए मसाला अच्छा भुने गया, तेल भी रिलीज हो गया उसका सारा। अब हम क्या करेंगे, ये इमली का खट्टा मैं निकाल के रख दी थी वो इसमें डाल देंगे। कोथमीर डालेंगे, करिए आप धो के डालना है सब चीज़ों को। हरी मिर्ची, अब हम इसे पानी डालेंगे। ये साइड से जो भी है इसे पानी से साफ करते हुए हम इसमें जितना हमें इसका जितना भी गाढ़ा रखना है सालन को हम वो हिसाब से डालेंगे पानी। एक 10 मिनट तक हम क्या करेंगे लो फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद फिर निकाल देंगे। ये देखिए मैं इसमें पानी डाली, मेरे हिसाब से 1.5 गिलास पानी लगा, ये मैं डाली। नमक चेक करें, ये टाइम पे आखिर में जब नमक चेक करना दम पे रखने से पहले, तो थोड़ा कम है नमक, मैं इसमें फिर से नमक डाल रही हूँ। अब हम इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पे रख के फिर जब ये इसमें पकने लगेगा तब हम इसे स्लो करके लो फ्लेम पे 10 मिनट और खट्टा पके तक रखेंगे। इमली का खट्टापन जब ख़त्म हो जाएगा तब हम निकाल देंगे। ये देखिए हमारा मैखलिया बनके तैयार है, अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। तेल भी देखिए अच्छा ऊपर आ गया, मसाला हम जितना अच्छा भुनेंगे सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।